नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। यमुना विकास प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट की एक और बड़ी न्यूज अपडेट। यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यमुना विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के दौरान नोएडा के सांसद, जेवर के विधायक और यमुना विकास प्राधिकरण के तमाम अफसर मौजूद रहे। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं। सरकार की मंशा से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने प्राधिकरण को अवगत कराया है। जेवर एयरपोर्ट के संबंध में भी काफ़ी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कब शुरू होगा यह तय हो चुका है। होगी पहली उड़ान शुरू, इसकी तिथि भी मुकर्रर हो चुकी है। अब यमुना विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की रूपरेखा बना रहा है। कब होगा जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और कब होगा निर्माण कार्य शुरू, आइए आप देखेंगे आगे की रिपोर्ट में। इससे पहले यमुना विकास प्राधिकरण में हुई समीक्षा मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जेवर एयरपोर्ट से आगरा तक टप्पल, मथुरा और आगरा में तीन स्थानों पर हेरिटेज कॉरिडोर की स्थापना करेगी। इस हेरिटेज कॉरिडोर की स्थापना से किसको क्या मिलेगा, कहां कहां बनाए जाएंगे ये हेरिटेज कॉरिडोर, हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे। तो अब आइए देखें जेवर एयरपोर्ट और यमुना विकास प्राधिकरण की यह न्यूज अपडेट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जल्दी ही शिलान्यास और निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। 6 दिसंबर तक जूरी कंपनी एयरपोर्ट का मास्टर प्लान न्याल को सौंप देगी। हालांकि उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि इस निर्धारित अवधि से पहले ही जोरिक कंपनी न्याल को जेवर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सौंप देगी। मास्टर प्लान के 2 माह की अवधि में ही निर्माता कंपनी को जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू करना होगा। यह जोरिक कंपनी और न्याल के बीच हुए करार की एक शर्त भी है। इस दृष्टि से 7 फरवरी से पहले जूरी कंपनी को जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू करना होगा। निर्माता कंपनी द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी होगा। यह भी माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम बहुत भव्य और विशेष होगा। यमुना प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रही है। हालांकि अभी शिलान्यास कार्यक्रम की कोई तिथि घोषित नहीं है। लगभग तय हो चुका है कि 7 फरवरी से पहले जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा और यह भी लगभग तय है कि 7 फरवरी से पहले जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम भी होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की यह बातें शुक्रवार को यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, जनप्रतिनिधियों और प्राधिकरण के अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में सामने आई हैं। समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि न्याल और जूरिक कंपनी के बीच इस बात पर भी सहमति बनी है कि अब जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान 2023 के सितंबर और अक्टूबर के बीच शुरू होगी। यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर में शुक्रवार को घंटों चली इस समीक्षा बैठक में कई मामलों पर चर्चा हुई। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यमुना विकास प्राधिकरण की अनेक योजनाओं पर इस समीक्षा बैठक में चर्चा हुई है। समीक्षा बैठक में नोएडा के सांसद, जेवर के विधायक, यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह सहित तमाम अफसरों ने भाग लिया है। औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष यमुना विकास प्राधिकरण के अफसरों ने अपनी आगामी योजना को भी रखा। औद्योगिक विकास मंत्री ने यमुना विकास प्राधिकरण की योजनाओं को सराहा और मीटिंग में यह भी बताया कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, आगरा में देशी विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने एवं प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों जैसे रामायणकालीन और महाभारतकालीन स्थलों की संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जेवर एयरपोर्ट से आगरा तक हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट से आगरा तक हेरिटेज कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय ले लिया है। जल्दी ही इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। ईडा में हुई इस समीक्षा बैठक के दौरान यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने अपनी योजनाओं के संबंध में पत्रकारों से वार्ता की।
आइए क्या कहा उन्होंने, आप भी सुने पहले यह विज्ञापन। जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए करें संपर्क 70-17-81-71-12 पर। फोन कॉल केवल शाम को 6 से 7 के बीच करें। प्रॉपर्टी के संबंध में कंसल्टेंट की सलाह के लिए उपरोक्त नंबर पर ₹250 का गूगल और फोन पे करें। और अब आइए जाने यमुना विकास प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण वी सिंह ने प्राधिकरण की आगामी योजनाओं के संबंध में क्या कहा और समीक्षा बैठक में क्या हुआ निर्णय, सुने पूरी बात। मंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे। और यमुना प्राधिकरण ने अपने द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो कोविड काल में जो औद्योगिक आवंटन हुआ है, जिस प्रकार यहाँ अलग अलग 5 पार्कों की स्थापना हुई है, जो रोजगार के अवसर आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा देश के जो निवेश किया गया है उसकी पूरी सूचना, भविष्य के जो कार्यक्रम हैं, हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का वृंदावन को और टप्पल बाजना में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब बनाने का, 2041 के मास्टर प्लान को डेवलप करने का, इन सब बारों में विस्तार से माननीय मंत्री जी से को अवगत कराया गया और उनसे अनुमोदन मांगा गया कि शासन स्तर पर इसका अनुमोदन कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी के परियोजना के बारे में बताया गया, एयरपोर्ट की परियोजना की अद्यावधिक स्थिति दी गई और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की जल्दी से अनुमोदन मेट्रो रेल का हो जाए, यहाँ पर चलने के लिए उसमें अनुरोध किया गया। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ से अप्रूवल होकर उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो ये रिक्वेस्ट किया गया कि इसको जल्दी से अप्रूवल दिया जाए जिससे मेट्रो के निर्माण का कार्य DMRC को सौंपा जा सके। इस प्रकार जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एयरपोर्ट से रिलेटेड, फिल्म सिटी से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइस पार्क से रिलेटेड सारी योजनाएं विस्तार से बताई गई और भविष्य के आने वाले समय में इसी साथ किसानों का रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट बताया गया, अगले साल में हम क्या क्या उपलब्धियां कर पाएंगे और उसके साथ साथ कार्य योजना भी तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्त करने के लिए और उस कार्य योजना पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी माननीय मंत्री से अनुरोध किया गया। कॉरिडोर में कितने जिले आ जाएंगे और जो लास्ट डेट रखी गई है एयरपोर्ट काम? देखिए, हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो जेवर एयरपोर्ट से लेकर के आगरा तक बनाने की बात है और चूंकि टप्पल बाजना के आगे राया कट पर ऑलरेडी एक अर्बन नोड हम लोगों ने अप्रूवल शासन से करा लिया है, अब उसका मोड क्या होगा, PPP मोड पे जाएगा या योजना यही है कि इस प्रकार का शहर बसाया जाए जिसमें कि पौराणिक काल की के साथ जो नवीनतम भारत है और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करते हुए एक नया शहर बसाया जाए और वो शहर अपने आप में भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी समेटे रखे। तो इसमें मथुरा ज़िला, अलीगढ़ ज़िला और आगरा में भी एक अर्बन नोड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है कि आगरा में भी तमाम इंडस्ट्री जो कि वहाँ से आगरा से बाहर आना चाहती हैं तथा ग्रीन जोन में हैं, तमाम टेक्नोलॉजी बदली है, जूता उद्योग में बदली है, अन्य उद्योग में बदली है जो पहले पॉल्यूटेड होती थी, तो उनके लिए आगरा में भी एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। तो इस प्रकार आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये तीनों ज़िले साथ साथ प्रभावित होंगे और गौतम और जो 2041 का मास्टर प्लान है उसमें बुलंदशहर के काफ़ी ज़िले सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री की यीडा में हुई समीक्षा बैठक के बाद CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जो कहा आपने सुना, अब देखना यह है कि प्राधिकरण अपनी योजनाओं को कब तक और किस तरह अमलीजामा पहनाती है, आप आगे भी देखते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी यमुना विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट की न्यूज अपडेट। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में यमुना विकास प्राधिकरण, फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट की अनेक वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। तो दोस्तों, हमारी अगली प्रस्तुति का करो इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।